मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग बताइएगा कि दिवाली आप लोगों की कैसी मनी। और मैं अभी उठ गई हूँ क्योंकि लड्डू सो रहा है तो लड्डू के पापा भी सो रहे हैं। तो अभी आप मेरा गाइस का देख सकते हैं कितना सारा काम पड़ा हुआ है। इसको अभी साफ करना है, साफ किया सारी मूर्तियों को मुझे यहाँ लगाना है, क्योंकि अभी मंदिर फिलहाल हमने नहीं लिया है। कलर में थोड़ा सुबह सुबह हो जाता है तो फिर यही है। और मंदिर करूँगी, फिर कान्हा जी को उठाऊँगी, कान्हा जी को नहलाना है। और पहले तो मैं शावर लेकर आती हूँ, इसके बाद फिर, क्योंकि लड्डू कभी भी जग सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, लाइट ऑन करती हूँ। सारे कमरे ऐसे पड़े हुए हैं, सबको सही करना है। फिलहाल मेरे इस कमरे का काम मैंने ऐसे बैठ बैठ सही कर दिया है, क्योंकि अच्छा हो जाएगा ये कंप्लीट कर दिया मैंने। फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, सो गए हम लोग भी बहुत लेट उठे हैं, तो फिर चलिए रोटी बनाते हैं। और बाबू खाना खाने नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोग को थोड़ी देर में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल नहा चुके हैं और मैं लाइट को ऑन कर दूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना है। एंड फाइनली मेरी पूजा हो गई है और आप देखेंगे मैंने पूजा वूजा कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी के जो भी कपड़े वपड़े हैं उन सबको बस कैसे पानी में ऐसे डूब करके और उसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, और ये सूख जाता है अच्छे से। और इसको यहीं रख देती हूँ। फाइनली अब मैं सिंक में इतने सारे बर्तन हैं, इसको धोना है, तो इसको भी मैं धोना है कंप्लीट कर। तो गाइस, मेरा फाइनली बर्तन धो चुके हूँ और मेरा काम ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, सिर्फ रात का डिनर बनाना है। एक मिनट, एक बस दो मिनट।
आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।